श्री गणेशाय नमः। अथ चैत्र मास महात्मा। आइए प्रियजनों, चैत्र मास की उत्तम कथा प्रारंभ करें। श्री गणेश गौरी श्री सरस्वती तथा भगवान विष्णु को नमस्कार करके और अपने गुरुदेव के चरणों में सिर नवाकर मासों में उत्तम मास चैत्र मास का महत्व कहते हैं। इस सारे विश्व को रचने वाले, इसका पालन पोषण और संहार करने वाले तथा अपने भक्तों को मोक्ष पद देने वाले श्री भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से मनुष्य मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इस संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, फिर उत्तम कुल में जन्म लेकर भगवान के भक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना ही प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, परंतु यह सब अच्छी संगति से ही प्राप्त होता है। अतः साधु संगति परम दुर्लभ है। जिस प्रकार तपे हुए लोहे पर पानी की बूंदें गिरने से उसका नाश हो जाता है, कमल के पत्ते पर गिरने से उसका रूप मोती जैसा सुंदर और स्वाति नक्षत्र में सीपी में गिरने से वही पानी की बूंद मोती ही बन जाती है, इसी प्रकार साधु संगत से शुद्ध विचार, उनसे उत्तम धर्म के कर्मों में रुचि और उनसे मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। शुद्ध विचारों के उत्पन्न होने के लिए भगवान के उत्तम कर्मों का वर्णन सबसे सरल साधन है। अतः हम सब प्रथम चैत्र मास का महात्म्य कहते हैं, जिसके पढ़ने तथा सुनने से मनुष्य के हृदय में भक्ति के भावों का संचार होता है। इसी मास से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति आरंभ की थी और सम्मत सर का आरंभ भी इसी से होता है। इसी मास में भगवान राम और आदि शक्ति देवी दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ है, इसीलिए यह मास सर्वोत्तम माना गया है। अतः इस मास में जो मनुष्य नदी तड़ाग बावली अथवा कुएं पर जाकर नित्य प्रति स्नान आदि करता है, उसके सारे जन्म के किए पाप यदि मनुष्य पुष्कर प्रयाग काशी या हरिद्वार आदि महातीर्थों के जल में स्नान करे तो उसके कई एक जन्म के पाप नाश हो जाते हैं। इस मास में दान आदि करने का फल किसी और दिन में करने की अपेक्षा सहस्त्र गुण फल देता है। गंगा गोदावरी समुद्र तथा संगम के स्थान में जो एक दिन भी स्नान करता है उस मनुष्य के शरीर में पाप लेश मात्र भी नहीं रह पाते और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य चैत्र मास में तिल आंवला या बिल्व पत्र मिले हुए जल से स्नान करता है वह देवताओं के तुल्य हो जाता है। जो मनुष्य इस मास में भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न तथा भगवान शिव की जटाओं में धारित पतित पावनी भगवती गंगा में स्नान करता है उसके इतने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने मनुष्य सहस्त्रों जन्मों में नहीं कर सकता। सत्संग ब्राह्मण भक्ति गुरु देवता अग्नि पूजन हवन तर्पण गोदान वेद पाठ सत्कर्म सत्य बोलना गो भक्ति तथा दान में प्रीति, यह सब धर्म के साधन इस मास में अनंत फल देने वाले होते हैं। भगवान को थोड़े समय तक ध्यान करना तथा भजन आदि करना अक्षय फल को देने वाला होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मास में योगाभ्यास में रत रहता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नाश होकर मोक्ष पद को प्राप्त होता है। अतः इस मास में यत्न करके अपने मन को वश में करके नियम तथा संयम का पालन करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम तप है, सत्य ही परम धर्म, सत्य ही ज्ञान है, अहिंसा धर्म का मूल है। इसीलिए सदैव ही विशेष करके चैत्र मास में व्रती को धर्म के इन अंगों का पालन करना चाहिए। किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए और सब प्राणियों पर दया करके
धर्म के इन अंगों का साधन करना चाहिए और धर्म के कार्यों में रुचि रखनी चाहिए। जो मनुष्य चैत्र मास में अपने किसी प्रिय वस्तु को भगवान के अर्पण त्याग करता है उसको अक्षय फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य काशी पीतल के बर्तनों को त्याग कर पलाश के पत्रों में भोजन करता है वह ब्रह्म ज्ञानी बनता है। जो तांबे के पात्र का त्याग करता है वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो मिर्चों का त्याग करता है वह राजा बनता है। सुंदर वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख काले तथा नीले वस्त्रों के त्याग से यम राज का भय नहीं रहता। केसर के त्याग से मनुष्य राजा का प्रिय, फूलों के त्याग से ज्ञानी, सैया के त्याग से महान सुखी और झूठ के त्याग से मोक्ष को प्राप्त होता है। पर निंदा न करने अथवा न सुनने से महापातकों का नाश और जो मनुष्य चैत्र मास में छोर हजामत नहीं बनाता है उसके कायिक वात्विक और मानसिक तीनों प्रकार के तापों का नाश हो जाता है। भगवान का कीर्तन तथा चरणारविंद का ध्यान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य जो चैत्र मास में किसी प्रकार का व्रत तथा नियम ग्रहण करता है वह प्रातः समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर नदी तड़ाग या कूप आदि के जल से स्नान करे, भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजन करके उनके सम्मुख स्त्रोत आदि का पाठ करे, सब प्रकार से जितेंद्रिय रहकर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार असत्य भाषण ईर्षा द्वेष परनिंदा इनसे दूर रहे, एक समय भोजन करे तथा भूमि पर सोवे, उसको द्वादश यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य चैत्र मास में चंद्रायण व्रत करता है उसके सहस्रों जन्मों के पाप नाश होकर वह मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य चैत्र मास में केवल दूध ही पीता है उसके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चैत्र मास में एक ही अन्न का भोजन करता है वह सदा निरोगी रहता है। नमक को छोड़ने से सब पापों से छूट जाता है। फलाहार करने से भी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो कंद मूल फल खाता है उसके पूर्वज भी घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए इस मास में शीत वर्षा तथा गर्मी को सहन करके भगवान के नियमों का पालन करते हैं अथवा भगवान की अनन्य भक्ति करता है मानो वह भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। श्री गण गौरी व्रत। गण गौर का व्रत चैत्रवदी एकम से आरंभ करके चैत्र सुदी तीज को समाप्त होता है। इस व्रत में भगवान शिव जी, माँ पार्वती और भगवान श्री गणेश जी का पूजन होता है। इस व्रत को स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिए तथा कुमारी कन्याएं अच्छे और चिरायु पति के लिए करती हैं। चैत्रवदी एकम को प्रातःकाल कुमारी कन्याएं 5 या 7 इकट्ठी होकर किसी बाग में जाकर दूब के कोमल अंकुर तथा पुष्प लाकर भगवान शिव को ओमा पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करती हैं। इस प्रकार सुदी तीज तक नित्य प्रत पूजन करती हैं। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां दोपहर तक व्रत रखकर पूजन के समय मिट्टी की बनी हुई प्रतिमाओं पर सुहाग संबंधी सब चीजें अर्पण करती हैं। इसके पश्चात भोग लगाकर कथा करती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां श्री गौरी पर चढ़ा हुआ सिंदूर अपनी अपनी मांगों में लगाती हैं। उस दिन केवल एक बार ही भोजन करती हैं। सायंकाल के समय व्रत को समाप्त करके प्रतिमाओं को जल में प्रभावित कर देती हैं। इसी दिन श्री माँ पार्वती जी ने भगवान शिव जी का पूजन किया
और माँ पार्वती जी पूजन करने वाली कन्याओं को सौभाग्य का वरदान देती हैं। श्री चतुर्थी व्रत कथा, श्री शीतला सप्तमी व्रत कथा, प्रत्येक मास को चतुर्थी के व्रत का अधिकार केवल स्त्रियों को ही है। व्रत रखने वाली स्त्री को चाहिए कि प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर अपने नित्य नियम के पश्चात आचमन करके व्रत का संकल्प करें। फिर चंद्रमा की मूर्ति लिखवाकर उसके नीचे भगवान शिव षडमुख तथा गौरी की प्रतिमा लिखकर षोडशोपचार विधि से उसका पूजन करें। पूजन के पश्चात तांबे या मिट्टी का पात्र फूलों से भरकर ब्राह्मण को दान दें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर कथा आदि सुनकर अपने कुल में पूजनीय वृद्ध पुरुष को वामन दे में और उसका आशीर्वाद ग्रहण करें। एक समय अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर चले गए। उस समय द्रौपदी ने विचार किया कि इस स्थान पर अनेक प्रकार के विघ्न होते रहते हैं और अर्जुन भी यहाँ पर नहीं है, ऐसी दशा में क्या करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर श्री द्रौपदी जी ने कृष्ण भगवान को याद किया। द्रौपदी के ध्यान करते ही भगवान कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, सब प्रकार के विघ्नों की शांति का कोई सुलभ उपाय बताइए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे द्रौपदी, एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिवजी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसके उत्तर में श्री शिवजी ने सब विघ्नों के नाश करने वाले चौथ के व्रत का उपदेश किया था। अतः हे द्रौपदी, यदि तुम भी चौथ का व्रत विधि पूर्वक करोगी तो सब विघ्नों का नाश हो जाएगा। तब द्रौपदी ने विधि पूर्वक व्रत का आचरण किया तो कौरवों की पराजय तथा पांडवों की विजय हुई। इसलिए पुत्र पौत्र सौभाग्य तथा धन धान्य की वृद्धि चाहने वाली स्त्रियों को चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। श्री शीतला सप्तमी का व्रत, चैत्रवदी सप्तमी को शीतला सप्तमी कहते हैं। इस दिन माता शीतला की मड़िया देवालय में जाकर भगवती की पूजा करते हैं। पूजा की विधि में कोई विशेषता नहीं है, परंतु इस पूजन के पश्चात संपूर्ण ठंडी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। उसी दिन जो भी पकवान बनाया जाता है वह छठ का बना हुआ होता है। एक दिन पहले के बने हुए कच्चे तथा पक्के पकवान पूजा में रखे जाते हैं। इस दिन घर के सब लोग भगवती का पूजन करके ठंडा ही भोजन करते हैं तथा कथा भी कही जाती है। किसी राजा के पुत्र को शीतला चेचक निकल आई और उन्हीं दिनों उसी नगरी में एक काक्षी के लड़के को भी शीतला निकल आई थी। काक्षी बहुत गरीब परंतु देवी का भक्त था। वह शीतला संबंधी उन सभी नियमों को भली भांति जानता था जो कि धार्मिक दृष्टि से आवश्यक समझे जाते थे। जैसे कि शीतला वाले के पास खूब शुद्धता रखना, भूमि को प्रतिदिन लीपना, शुद्धा अवस्था में ही उसको छूना, भगवती का नित्य पूजन, नमक न खाना, सब्जी आदि में छोंक न लगाना, इन नियमों के पालन से उसका लड़का शीघ्र ही अच्छा हो गया। राजा के यहाँ राजकुमार को भी शीतला निकली हुई थी। इसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ बिठाया, नित्य हवन होते और स्वादिष्ट भोजन तले जाते। इस प्रकार के बड़े भोजन में मांस आदि का प्रयोग भी होता था, परंतु राजकुमार पर श्री शीतला का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। जब राजा को यह समाचार मिला कि काक्षी का पुत्र शीतला के प्रकोप से अच्छा हो गया है और उसके पुत्र को बहुत अधिक दुख बढ़ता जा रहा है, तो उसके मन में बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने भगवती से प्रार्थना की कि भगवती, यह क्या अन्याय हो रहा है। मैं आपकी सेवा में हजारों रुपए रोज खर्च करता हूँ, परंतु
मेरा लड़का दिन प्रतिदिन अधिक व्यथित होता जा रहा है, परंतु यह काक्षी जो कुछ भी आपकी सेवा नहीं कर सकता है, बिना प्रयास के ही अच्छा हो गया है। इस प्रकार मन में तर्क वितर्क करते हुए राजा को निद्रा आ गई। तब रात्रि के समय राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ और यही कारण है कि तुम्हारा पुत्र अभी तक जीवित है, परंतु तुम उन नियमों का पालन नहीं करते जो शीतला के समय आवश्यक हैं और मुझको दोष देते हो। ऐसी दशा में सदा ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। नमक के खाने से खुजली उत्पन्न होती है। किसी पदार्थ में छौंकन इसलिए नहीं लगाया जाता कि उसकी गंध से बीमार उसको खाने के लिए लालायित हो जाता है। किसी के पास आना जाना अथवा मिलना जुलना इसलिए मना है कि यह रोग दूसरे को न लग जाए, क्योंकि दूसरों की कुशलता में ही अपनी कुशल है। इस प्रकार ठंडे भोजन के सेवन करने पर ऊपर कहे गए नियमों का पालन करने से राजपुत्र बहुत जल्दी स्वस्थ हो गया। तब से शीतला सप्तमी का प्रचार होता गया। एकादशी व्रत। एक समय राजा युधिष्ठिर ने एकादशी के व्रतों के प्रश्न में कहने लगे कि भगवान, चैत्रवदी एकादशी का क्या नाम है, सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे नृप शार्दूल, ज्ञान तथा अज्ञान में किए हुए पापों का नाश करने वाली यही एकादशी है। चक्रवर्ती राजमान धाता से लोमस ऋषि ने इस संबंध में जो कुछ कहा है वहां मैं भी तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से कहा कि भगवान चैत्रवदी एकादशी का व्रत करने से क्या फल मिलता है, सो आप कृपा करके कहिए। लोमस ऋषि कहने लगे कि राजन, इस एकादशी का नाम महात्म और विधि से आपसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली, धर्म को बढ़ाने वाली और मोक्ष के देने वाली है तथा मनुष्य को अच्छी मति देने वाली। इसका नाम पाप मोचनी है और सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। इसके व्रत को करने अथवा कथा सुनने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा हमारी बनाई हुई एकादशी महात्म की कथा में पढ़िए। इस कथा के पढ़ने तथा सुनने से कई एक गांव में दान का फल प्राप्त होता है और ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े महापापों का नाश हो जाता है। अथ प्रदोष व्रतम। जिस समय महातपस्वी व्रतासुर इंद्र आदि सब देवताओं और विप्रों से युद्ध करने के लिए आया तो देवता भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। तब प्रतापी इंद्र हाथ में वज्र लेकर ऐरावत हाथी पर चढ़कर व्रतासुर के साथ युद्ध के लिए आए तो लोकपाल आदि सब देवता भी युद्ध के लिए इकट्ठे हो गए, परंतु व्रतासुर को देखते ही सब ही भयभीत हो गए। तब गुरु बृहस्पति जी को आज्ञा अनुसार उन्होंने भगवान शिव की पूजन किया। उसी दिन प्रदोष का दिन था। बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि आज प्रदोष का दिन है, आप दोपहर का स्नान करके तिल आंवले गंध पुष्प और फल आदि से भगवान शिव का पूजन कीजिए। ग्राम के बाहर जो शिवलिंग है उसकी पूजन का फल गांव वालों से 100 गुना अधिक होता है और वन में होए तो उससे भी अधिक 100 गुना और पर्वत के शिवलिंग का फल उससे भी 100 गुना अधिक होता है। अतः विद्वानों को इस विधान से पूजन करना चाहिए। गंगा आदि नदी में स्नान का करना बहुत उत्तम है। प्रदोष काल में भगवान शिव के आगे 1100 अथवा 1 हो घी की बत्ती जलाकर प्रकाश करना चाहिए। इसी प्रकार पुष्प आदि से षोडशोपचार विधि से पूजन करें, फिर 108 फेरी दे में और 108 बार ही नमस्कार करें। इस प्रकार पूजन करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। 100 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तब इंद्र कहने लगे कि महाराज, आप कृपा करके इस व्रत का उद्यापन भी बताइए। बृहस्पति जी कहने लगे कि चांदी का
एक बैल बनावे, उस पर उमाकांत शिव को बिठावे। भगवान के 3 नेत्र, 5 मुख और 10 भुजा हों, जिनके आधे अंग में पार्वती जी का निवास हो। यह दोनों सोने की बनी हुई हों। रात्रि में श्रद्धा और विधि के साथ जागरण करना चाहिए। फिर दूध दही घृत शहद और शर्करा से स्नान करावे। फिर गंगा जल से स्नान करावे। इसके पश्चात जल और पुष्प लेकर भगवान को अर्घ दे में। फिर खाद्य आसन समर्पण करें। यज्ञ पवित्र वस्त्र चंदन धूप दीप नैवेद्य आदि षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। बृहस्पति जी कहने लगे कि हे देवराज, तुम भी इसी विधि से इस व्रत को करो। शिव पूजन में जलहारी का उल्लंघन मत करो। तब इंद्र ने इस विधि से इस प्रकार व्रत को पूजन किया और दही चित्र ऋषि की अस्थियों से बने हुए वज्र से उसका मस्तक भेदन किया। अतः जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे और अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। चैत्र 14 स्नान। श्री चैत्र कृष्ण 14, जिसको चैत्र 14 भी कहते हैं, स्नान आदि के लिए बहुत उत्तम कही गई है। इस दिन स्नान करने से सहस्र गुण प्राप्त फल होता है। इस दिन प्रातः समय उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर श्री गंगा आदि नदी या तड़ाग अथवा कूप पर जाकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु या भगवान शिव के मंदिरों में जाकर उनके दर्शन करें तथा षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दें। इस क्रिया के करने से मनुष्य के सैकड़ों जन्मों के उपार्जित किए हुए पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं और वह भगवान के वैकुंठ धाम में जाकर सालोक का पद पाकर जीवन मरण के बंधनों से केवल आप ही मुक्त हो जाते, बल्कि अपनी माता और पिता के भी कई एक कुलों का भवसागर के पार कर देते हैं। अथ अरुंधति व्रत। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी तथा कर्दम ऋषि की कन्या थी। सप्त ऋषियों में वशिष्ठ जी के साथ अरुंधति को भी स्नान मिले हैं। उन्हीं के नाम पर यह व्रत परंपरा से चला आ रहा है। इस व्रत के करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य प्राप्त होता है तथा इससे बाल वैधव्य दोष का परिहार होता है। यह व्रत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को प्रारंभ होकर तृतीया को समाप्त होता है। प्रतिपदा के दिन प्रातः समय उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर अरुंधति देवी के व्रत का संकल्प करें। दूसरे दिन द्वितीया को धान पर कलश स्थापित करें। फिर स्वस्ति वाचन करके षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करें। तृतीया को भगवान शिव तथा श्री पार्वती जी का पूजन विधि व्रत करें। गायत्री मंत्र तथा ओम नमो शिवाय के मंत्र से हवन करें। इसके पश्चात 5-7 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यह व्रत सबसे प्रथम श्री अरुंधति देवी ने ऋषि वशिष्ठ जी की आज्ञा से किया था, जिससे उनको अटल सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैधव्य दोष से बचने के लिए स्त्रियों को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से जन्म जन्मांतरों के वैधव्य दोषों का नाश हो जाता है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में सब शास्त्रों के जानने वाले वेदों के ज्ञाता प्रत धर्मात्मा एक ब्राह्मण था। देव योग से उसकी एक अति सुंदर कन्या बाल्य अवस्था में ही विधवा हो गई। वह कन्या अपने माता पिता की सेवा करती हुई वैधव्य धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के आश्रम में रहती थी। एक समय वह कन्या श्री यमुना जी के किनारे तप कर रही थी। तब ही देव योग से श्री महादेव जी श्री पार्वती जी के सहित सारे संसार के दुखों को निवारण करने वाले विचरते विचरते हुए उधर आ निकले और इस कन्या को घोर तप करते हुए देखकर श्री पार्वती जी ने इसका कारण पूछा। महादेव जी कहने लगे कि हे पार्वती जी, प्राचीन काल में यह कन्या एक ब्राह्मणी थी। इसका विवाह होने के पश्चात इसका पति चिरंकाल के लिए परदेश चला गया था।
उस समय के पश्चात इस ब्राह्मणी ने यहाँ पर एक अन्य पुरुष के साथ प्रीति कर ली। तब दूसरे जन्म में उसको बाल विधवा का दुख प्राप्त हुआ, क्योंकि जो पुरुष पर स्त्री गमन करते हैं वह अंधे होते हैं, और जो स्त्री पर पुरुष से रमण करती है वह बाल विधवा होती है। इस प्रकार सब वार्ता सुनकर श्री पार्वती जी ने पूछा कि स्वामिन, क्या इस पाप का कोई प्रायश्चित भी नहीं है जिससे पुनः इस पाप के फलों को न भोगना पड़े? तब श्री महादेव जी ने कहा कि जो स्त्री विधि पूर्वक अरुंधति जी का व्रत करती हैं उनको यह असह्य दुख नहीं भोगना पड़ता, अतः सौभाग्य को प्राप्त के लिए चैत्र शुक्ला एकम को अरुंधति व्रत करना चाहिए तथा अरुंधति देवी का व्रत और पूजन करना चाहिए। श्री मत्स्य अवतार की कथा। चैत्र शुक्ल तीज को भगवान विष्णु ने मत्स्य का अवतार धारण किया था। जिस समय सृष्टि की प्रलय हुई उस समय सब जल ही जल था। इस दिन भगवान ने मत्स्य मछली का रूप धारण किया। इस दिन मत्स्य भगवान का चित्र अथवा मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। मत्स्य भगवान को सुंदर फल, शीतल दही, चीनी, नैवेद्य का भोग लगाकर प्रसाद बांटना चाहिए और प्रार्थना करें कि हे मत्स्य भगवान, जिस प्रकार आपने सारे संसार के वेदों की रक्षा करके बचा लिया उसी प्रकार आप हमारी भी रक्षा कीजिए। प्रार्थना के पश्चात भगवान मत्स्या व्रत की कथा सुननी चाहिए। अथ कथा। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि भगवान मैं श्री हरि के प्रथम अवतार को कथा सुनना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने अपनी माया के मत्स्य रूप धारण किया। सब प्रकार की माया से अलग अलग रहकर उन्होंने कर्म बंधन में फंसे हुए जीवों के लिए अत्यंत तमोगुणी, लोक निंदनीय तथा दुस्सह मत्स्य शरीर धारण किया। अतः वह चरित्र आप कृपा करके हमें सुनाइए। श्री सूत जी कहने लगे कि राजा परीक्षित, भगवान यद्यपि सर्वेश्वर हैं फिर भी गौ ब्राह्मण देवता साधु धर्म तथा वेदों की रक्षा के लिए समय समय पर शरीर धारण करते हैं। हे राजन, कल्पांत में काल क्रम से जब ब्रह्मा जी के सो जाने पर उनके मुख से निकलकर पास ही खड़े हुए वेदों को है ग्रीव दैत्य हर कर ले गया, तब दानव पति की यह लीला देखकर सर्वेश्वर श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण किया। उस समय राजा सत्यव्रत को, जो केवल जन्म जल पीकर ही जीवित था, कृत माल नहीं में नदी में तर्पण कर रहे थे, उसी समय एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आकर गिरी। राजा सत्यव्रत के पानी सहित मछली को जल में डाल दिया। तब उस मछली ने बड़ी दीनता से कहा कि हे राजन, जाति हिंसक जंतुओं से डर कर आई हूँ, मुझे दीन को तुम फिर जल में क्यों छोड़ रहे हो? राजा ने मछली की रक्षा का संकल्प करके उसको कलश में रखकर आश्रम में ले आए। वहां पर रात भर में वह मछली इतनी बड़ी कि कमंडलू में रहने के योग्य स्थान न देखकर राजा ने कोई बड़ा स्थान देखने के लिए कहा। तब राजा ने उसको कमंडलू से निकालकर घड़े में डाल दिया। तब वह मछली और भी बड़ी, राजा उसको सरोवर में डाल दिया, तब और भी बढ़ने लगी। राजा ने कहा कि तुम ऐसे अनोखे मत्स्य ने मुझको धोखे में डाल दिया, बताओ तुम कौन हो? तब उस मत्स्य ने बहुत बड़ा आकार धारण किया और सारे समुद्र को घेर लिया। तब भगवान मत्स्य ने घोर राक्षस है ग्रीव को मारकर पुनः वेद लाकर ब्रह्मा को दिए। तब उसी समय देवताओं ने उनकी स्तुति की। अथ श्री पंचमी का व्रत। चैत्र शुक्ला पंचमी को श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को अपनी भार्या बनाया था, इसलिए इसी दिन श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। इनकी मूर्ति बनाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजन करके उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। चैत्र शुक्ल नवमी को, जिस राम की नवमी भी कहते हैं,
भगवान राम का प्रादुर्भाव होकर बहुत से दुष्ट राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी के उभार उतारा था और अपने बहुत से भक्तों की रक्षा की। इनके चरित्र को ऋषि वाल्मीकि जी ने रामायण में तथा संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इन दिनों में श्री वाल्मीकि जी रामायण तथा रामचरितमानस का पाठ करने से मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधनों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है। चैत्र शुक्ल एकम से नौमी तक नवरात्रों का व्रत होता है। एकम को शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे प्रथम स्वस्ति वाचन आदि करके घट का स्थापन धान्य के ऊपर करना चाहिए। अष्टमी तक घट के सामने दीपक जलाकर ब्राह्मण द्वारा सप्त सती का पाठ कराना चाहिए। अष्टमी तक एक समय फलार आदि का भोजन करें, ब्रह्मचर्य पूजन रहें और ब्रह्मचर्य पूर्वक रहें, रात्रि को भूमि में शयन करें। इस प्रकार 8 दिन रहकर नौमी को भगवती दुर्गा की ज्योति करें, नवकन्याओं को भोजन करावें और फिर भगवती को विदा करें। इति श्री नवरात्र व्रत समाप्तम। इति श्री चैत्र मास महात्म समाप्तम।